नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टेलीटेशन पर। आज हम एक बहुत ही खास और जरूरी अपडेट लेकर आए हैं, और अगर आप भी श्रुति चौधरी के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए है। आइए जानते हैं क्या हुआ है श्रुति चौधरी को और उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा बालन थानेदार सीरियल में बुलबुल का किरदार निभाने वाली श्रुति चौधरी को हाल ही में डेंगू हो गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, डेंगू एक बहुत ही गंभीर बुखार होता है और इसके कारण श्रुति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हमारे सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है और वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। उनके स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें अगले 3 से 4 दिन तक पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इससे पहले श्रुति को टाइफाइड हो चुका था, जिससे वो काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन केवल एक दिन की छुट्टी के बाद उन्होंने फिर से काम पर लौटने की हिम्मत दिखाई थी। अब वर्तमान में श्रुति अस्पताल में पूरी तरह से बेड रेस्ट पर हैं, हालांकि उनके सीरियल मेरा बालन थानेदार के सेट पर शूटिंग जारी है। ये खबर भी आई है कि उनके शो की शूटिंग उनके बिना भी जारी रहेगी, लेकिन सभी लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। हम भी टेलीटेशन की टीम की ओर से श्रुति चौधरी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी अपने काम पर लौट आएं और फिर से हमें अपने शानदार अभिनय से एंटरटेन करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास खबर। अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।